तो गाइस कैसे हैं आप दोस्तों, स्त्री टू ने भाई धमाल मचा दिया है। यानी कि इसको कहेंगे हम नंबर वन मूवी इंटरटेनमेंट। जी हाँ दोस्तों, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 60 करोड़ का बजट वाली मूवी और डे वन इसने भाई धमाल कर दिया है। यानी कि शॉकिंग न्यूज़ है जो राजकुमार के फ़ैन हैं, यानी कि राजकुमार राव के जो फैंस हैं, श्रद्धा कपूर ने यहाँ पर धमाल मचा दिया है। यानी कि आपको तीन मूवी रिलीज हुई थी एक साथ 15 अगस्त को, खेल खेल में बेदा और स्त्री टू। यहाँ पे स्त्री टू का जो डे वन है ना भाई, पठान को बीट कर दिया है इसने। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे यार क्या बोल रहा है तू, मतलब ये सोचो डे वन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बॉलीवुड के अंदर जवान है, जिसने 65 करोड़ का नेट बिजनेस किया था। और सेकेंड नंबर पर थी पठान मूवी, जिसने 55 करोड़ का बिजनेस किया। और यहाँ पे स्त्री टू ने डे वन 55 करोड़ 60 लाख का बिजनेस किया है। यानी कि पठान दूसरे पे अब थर्ड नंबर पर आ चुकी है, यानी कि तीसरे नंबर पे आ चुकी है पठान, और सेकंड नंबर पर स्त्री टू है। यानी कि जवान के बाद स्त्री टू का बिजनेस है भाई धमाल। यानी कि राजकुमार राव ने यहाँ पे सबको सरप्राइज कर दिया है। यहाँ पे ये देखो, बात ये है कि अक्षय कुमार खेल खेल में लेकर आए, और पहले से ही उम्मीद नहीं थी, जो SRK के फैन अक्षय कुमार के फैंस हैं वो पहले से ही आस नहीं लगा के बैठे थे कि ये मूवी बिजनेस भी करेगी। फिर भी यहाँ पे मैं बात कहूँगा, स्त्री टू ने जो बिजनेस किया काबिले तारीफ है। यानी कि 60 करोड़ में जस्ट इस मूवी ने ऐसा धमाल किया कि जो क्रिटिक्स पंडित है ना, जो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं ये मूवी 100 करोड़ तो आराम से कर लेगी, मगर यहाँ पे अब लाइफ टाइम पता है कितना लग रहा है, 450 करोड़ नेट कमाने वाली है ये हिंदी से। डे वन इंडिया ग्रॉस इस मूवी ने कमाया है 76 करोड़ डे वन। और अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड की, तो इस मूवी ने 91 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया है। बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ पे कह सकते हैं। और मूवी जिस तरह से बनी है ना, काबिले तारीफ है। श्रद्धा कपूर और यहाँ पे राजकुमार राव, जो एक्टिंग उन्होंने दिखाई है इस मूवी के अंदर, काबिले तारीफ है। हालांकि कुछ मूवी के अंदर ऐसे पॉइंट हैं जो हम कह सकते हैं कि यार बोर करती है, मगर यहाँ पे सब एकदम से अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक ऐसा सीन है सरकटा वाला भाई, माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे डायरेक्टर की बहुत तारीफ करनी होगी, जिस तरह से इस मूवी ने पेश किया है पर्दे पर, जो दिखाया है काबिले तारीफ। और ऐसी मूवी डिज़र्व करती है यार 400-500 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये अगर कहीं ख़राब मूवी होती और हम सोचते कि ये 400-500 करोड़ कर लिए, मगर यहाँ पे मैं बात कहूँगा ये कि स्त्री टू का हालांकि बिजनेस ये मूवी डे वन का ही है, अब देखते हैं आगे कितना कर सकती है, मगर यहाँ पे आस लगा के जो क्रिटिक्स पंडित हैं वो कह रहे हैं यहाँ पे कि 400 से लेके 500 करोड़ भी ये मूवी जा सकती है, क्योंकि आगे रक्षाबंधन है और इसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और यहाँ पे तीनों मूवी कुछ ना कुछ कमाल करते दिख रही हैं। यहाँ पे खेल खेल का जो बजट है भाई बहुत ज़्यादा है, फिर भी डे वन इसका आपको बताइए कितना आया है, नेक्स्ट वीडियो में लेके रहूँगा इसी पे। तो दोस्तों यहाँ पे स्त्री टू ने कमाल कर दिया है। और डे टू की हम बात करें, तो डे टू में मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है 23%, और वहीं आफ्टरनून इस मूवी ने जंप लिया 42% के साथ भाई धमाल कर रही है स्त्री टू। और अगर हम शहर वाइज बात करें तो कहां कहां पे ये मूवी सबसे ज़्यादा कमाई कर रही है, तो मुंबई के अंदर हम पहले बात करें, जी हाँ दोस्तों 35% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की मैं बात कर रहा हूँ, और जिसके अंदर 1090 शो मिले हैं इस मूवी को, और एकदम फुल। जी हाँ दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ऐसी मूवी अगर बिजनेस करती है तो अंदर से आवाज़ आती है कि भाई यार बहुत अच्छी मूवी है, और बिजनेस अच्छा कर रही है तो यहाँ पे अच्छा भी लगता है। और हम बात करें दिल्ली में 56% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है, और इसको 100 मिले हैं 1050 के साथ लगातार ये मूवी धमाल मचाते दिख रही है। यानी कि मैं लगातार की बात कर रहा हूँ, सेकेंड डे बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। और भाई हम बात करें पुणे में 33% की ऑक्यूपेंसी, और शो मिले हैं इसको 400। और बेंगलुरु में तो भाई इस मूवी ने धमाल मचा रखा है,
71% की ऑक्यूपेंसी और इसको जो 100 मिले हैं 292, बहुत बेहतरीन कलेक्शन डे टू में भी आने वाला है और वो कितना आने वाला है वो हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ तो अभी जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ और बुक माई शो पे आप जाओगे तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 35%, जी हाँ दोस्तों 35K यहाँ पे पर टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, 35,000 पर घंटा, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लॉटरी लग चुकी है स्त्री 2 की, क्योंकि बजट इस मूवी का है 60 करोड़ और कमाई करेगी भाई 400-450 करोड़, तो काबिल तारीफ है भाई। तो क्या लग रहा है आपको, उसका लाइफ टाइम आप कहाँ देख रहे हो? और डे टू में अगर हम बात करें तो इवनिंग तक इसकी जो ऑक्यूपेंसी आई है निकल के वो कहीं ना कहीं 60 से लेकर 65%। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा दिख रहा है तो यहाँ से मैं नंबर लूँ तो 35 करोड़ 40 करोड़ आज भी दिख रहा है और नाइट की ऑक्यूपेंसी अच्छी चली गई आज, तो भाई 40 पार है इस बार, यानी कि डे टू भी 40 करोड़ दिख रहा है और डे वन में तो भाई 55 करोड़। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अगर थोड़ा आज नाइट की ऑक्यूपेंसी बढ़िया चली गई तो मैं तो यही सोच रहा था कि 100 करोड़ करे 2 दिन के अंदर, मगर ऐसा होते दिख नहीं रहा क्योंकि कहीं ना कहीं 93-94 करोड़ ये मूवी 2 दिन के अंदर कमा रही है नेट कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, नेट कलेक्शन बहुत बेहतरीन स्त्री 2, और हालांकि ऑडियंस जो है वो पसंद कर रही है क्योंकि मूवी के अंदर जो दिखाया है बहुत अच्छा तरीके से जो डायरेक्टर ने पेश की है, तो लोग पसंद कर रहे हैं मूवी को और इसी की वजह है जो इनका जो रेशियो है कमाई करने का वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बाजी मारते दिख रहे हैं राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर, धमाल मचा दिया है। और स्त्री 3 आएगी ना तब आप देखना इस मूवी का क्रेज कितना हो, बहुत अच्छा सीक्वल कह सकते हैं अभी तक का बॉलीवुड का, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना भाई, एक ऐसा एक्टर और बड़ा एक्टर भी नहीं है ये, देखो अगर कहीं इस मूवी के अंदर बड़ा एक्टर होता तो हम बात करते हैं हाँ यार 400-500 करोड़ कर रही है, मगर यहाँ पे राजकुमार राव एक बॉलीवुड के फाइनेस्ट एक्टर हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ उनकी हर एक मूवी बहुत अच्छा करती है और यहाँ पे तो भाई ज़्यादा ही अच्छा करती है, यानी कि 60 करोड़ में 400-500 करोड़ लेके जाने वाले हैं। तो डे वन 55 और आज ये कहीं ना कहीं 40 और 35 के बीच में कमाने वाली है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अगर आप लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप खेल खेल में मैं लेकर आ रहा हूँ। तो स्त्री 2 धमाल और बहुत बेहतरीन मूवी, आप देखो, रिव्यू मैं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।